वो करते लगातार हरियाणा मणिपुर गुजरात हर जगह मार रहे हैं। ये सरकार के पिट्टू है, पिट्टू और कुछ नहीं है, ये सरकार के पिट्टू है। दिल्ली पुलिस सरकार के पिट्टू है, बेशरम, निहायत ही बेशरम। सरकार जो बोले आप वो करती है। सिर्फ शांतिपूर्ण ढंग से अधिकार मांग रहे लोगों को कुचलने के लिए बनी है ये पुलिस। न्याय देने के लिए न्याय की गुहार करने वालों को सिर्फ कुचल के रखती है। यह प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट बुलडोजर इन हरियाणा एंड दिस इज व्हाट वी गेट। दिस इज व्हाट द सरकार, दिस इज व्हाट द गवर्नमेंट डज टू अस फॉर प्रोटेस्टिंग फॉर द जस्टिस ऑफ पीपल इन हरियाणा। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। अभी हम मौजूद हैं हरियाणा भवन के सामने, जहां पर जो है तमाम छात्र मौजूद हैं। आपको दिखा दें किस तरीके से जो यहां पर जो है बच्चों को कुचल दिया गया है, वो गिर गया है और यहां पर पूरी तरीके से वो कुचला जा रहा है। ये लोग जो है हिंसा भड़की है उसको लेकर प्रोटेस्ट करने के लिए आए हैं, पर यहाँ पर जो है पुलिस जो है उनको आगे बढ़ने से रोक रही है। और यहाँ पर जो है पुलिस ने उठाकर फेंक दिया। क्या क्या कहें, गुजरात हर जगह मार रहे। पुलिस आपको जो है उठाकर फेंक रही है, मैंने अभी उठाकर फेंके जा रहे हैं। ये सरकार के पिट्टू है, पिट्टू और कुछ नहीं है, ये सरकार के पिट्टू है। दिल्ली पुलिस सरकार के पिट्टू है, बेशरम, निहायत ही बेशरम। सरकार जो बोले आप वो करती है। वो अपना काम कर रहे हैं, ड्यूटी कर रहे हैं। ड्यूटी नहीं कर रहे, हरियाणा में ड्यूटी की थी, हिंदू आतंकी का सपोर्ट किया था, बीएचपी आरएसएस का सपोर्ट किया था इन्होंने। क्यों किया था? तब ड्यूटी नहीं कर रहे थे। मणिपुर में रेप हो रहा था, तब ड्यूटी नहीं कर रहे थे। स्टेट, क्योंकि ये स्टेट है ब्राह्मणे के हिंदू तो फासिस्ट। देखिए किस तरीके से जो है आप देख रहे क्या हो रहा है। लेकिन यहाँ दिल्ली पुलिस आप लोग को रोक रही है, क्या कहेंगे? आवाज उठती है, छात्र आवाज उठा रहे, छात्र आवाज उठा रहे, धड़ती है। यहाँ पर जो है पुलिस लगातार अपना काम कर रही है, इन्हें रोकने की कोशिश कर रही है। और यहाँ पर वैन भी जो है आ गया है डिटेन करने के लिए। पुलिस जो है इन्हें ऐसे बाहों में उठाकर फेंक रही है। आने के लिए आपको तिरंगा लगाना है, उनके घर ही तोड़ दिए, वो कहाँ तिरंगा लगाए? ये सवाल पूछना जरूरी है, इसलिए हम आज यहाँ पर मौजूद हुए। बजरंगी को गिरफ्तार कर लिया है। मोनू माने सर क्यों खुला घूम रहा है? हमारा सवाल है आज से नहीं, उसने बहुत सालों से। देखिए किस तरीके से जो है पुलिस ने धक्का मार के खींच कर रही है, यहाँ पर जो है लोगों को डिटेन करना शुरू कर दिया। देखिए किस तरीके से महिला जो है नीचे, ये देखिए किस तरीके से, आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, सीधी तस्वीरें जो है उठा कर ले जा रही है पुलिस जो है। यहाँ पर महिला पुलिस भी जो है वो क्या कहेंगे, पुलिस जो है उठा कर फेंक रही है। जब वहाँ पे दंगे होते हैं, जिस तरीके से हिंसा हो रही है, हम उसके एकदम जो चल रहा है तो कुछ नहीं होता है। ये पुलिस सिर्फ शांतिपूर्ण ढंग से अधिकार मांग रहे लोगों को कुचलने के लिए बनी है। ये पुलिस न्याय देने के लिए न्याय की गुहार करने वालों को सिर्फ कुचल के रखती है। हम मांग रहे हैं यहाँ से कि मनोहर खट्टर इस्तीफा दे, हम मांग रहे हैं कि मोनू मनीषा को गिरफ्तार करें, और हर कोई जिनके परिवार के किसी सदस्य की, हर कोई जो विस्थापित हुआ है उसको मुआवजा मिले, उसको न्याय मिले। किस तरीके से जो पुलिस जो है वो तस्वीरें दिखाई है, किस तरीके से जो पुलिस जो है कई सारे पुलिस जो मिलकर उठा रहे हैं और डिटेन कर रहे हैं, जबरदस्ती खींचा जा रहा है छात्रों को और यहाँ पर उठा कर ले जाया जा रहा है। छात्र जो है वो लेट गए हैं जमीन पर, वो अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख पाइए किस तरीके से जो है ये इनकी हालत खराब होती हुई दिख रही है, तबीयत खराब होती हुई दिख रही है एक स्टूडेंट की। ये पुलिस जो है घसीट कर लाई है ये, और ये इन्हें उठा कर ले जाया जा रहा है। देखिए किस तरीके से घसीटा जा रहा है छात्रों को, यहाँ पे देखिए किस तरीके से घसीटा जा रहा है, और जो है लड़कों को महिला पुलिस जो है उठा कर ले जा रही है, घसीट कर ले जा रहा है, इन्हें डिटेन किया जा रहा है। क्या कहेंगे
बात नहीं करने दे रही है। आपको साफ तौर पर दिखा रहे हैं सीधी तस्वीरें जो हैं, यहाँ पर भी लगातार जो है पुलिस महिलाओं को उठा कर ले जा रही है। छात्रों को, तमाम जो छात्र हैं वो यहाँ पर लेट गए हैं, जाना नहीं चाहते और उन्हें उठा कर लेकर जाया जा रहा है, घसीटा जा रहा है। ये अपने जो है अपने अधिकार हक की बात कर रहे हैं कि नू में जिस तरीके से हिंसा हुई है, कार्रवाई सब पर बराबर होनी चाहिए। हथियारों की सरकार है, गुंडों की सरकार है, आतंकवादी है, ये सब ये बाहर है। हम बच्चे, प्रगतिशील बच्चे जो बाहर है लड़ रहे, कि नहीं चल सकता है, हमारा देश नहीं चल सकता है। मणिपुर, हरियाणा, इन सब है, इन सब बंद करो। देख सकते हो आप किस तरीके से जो है यहाँ पर किस तरीके का माहौल बना हुआ है। लोग जो है अपने प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी मांगों को उठा रहे हैं और हर तरीके से अपनी आवाज़ उठाने की कोशिश कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ बोलने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये साफ है कि वो जो हिंसा कर रहे हैं उनके साथ तो खड़ी हुई है। वीडियोस में देखा जा रहा है कि लोग पत्थरबाजी कर रहे हैं और पुलिस खड़ी हुई है, कुछ नहीं कर रही है। खराब की है सिर्फ अपने राज्य के फायदे करी जाती है और इस देश में आज ऐसा अधिकार ही नहीं बचा है कि आप कोई जो हक की बात कर रहे हैं, सच की बात कर रहे हैं, सच के साथ खड़े हैं तो आपको यहाँ पे अधिकार हो कुछ बोलने का, ये यही दिखाता है। यहाँ पर जो है तमाम लोग जो है वो नारे लगा रहे हैं, बुलडोजर का न्याय नहीं चलेगा, क्या कहेंगे, पुलिस जो है उठा उठा कर फेंक रहे हैं। मैम ये तो आज नहीं, आज से पहले का कानून है, जो सत्ताएं घबराती हैं तो ये पुलिस का सहारा लेती है, पुलिस के सहारा लेकर के ये आम जनता की आवाज़ को बंद करना चाहती है। मैम देख सकते हैं यहाँ पे सब स्टूडेंट हैं और किस तरीके से हम लोगों को फेंका जा रहा है, हमारी बात नहीं सुनी जा रही है। हम शांतिपूर्वक अपना प्रदर्शन कर रहे थे, देखा आप लोगों ने, देखा ही होगा आप लोगों ने, नोटिस किया होगा किस तरीके से हम लोगों के ऊपर जुल्म हो रहा है और हम यहाँ पे शांतिपूर्वक तरीके से अपना अपनी बात रखने आए थे, अपने मुद्दों को रखने आए थे, मगर इन लोगों ने हमारी जरा भी नहीं सुनी। और हमको मैम इसीलिए कि हम लोगों ने जो देश में सांप्रदायिक दंगे चल रहे हैं उनके विरुद्ध आवाज़ उठाई है। आवाज उठाने से नहीं उठानी आवाज़, नहीं वही तो मैम आप देख सकते हैं हमारी आवाज़ को दबा दिया गया। क्यों सरकार क्यों नहीं चाहती आवाज़ उठाई जाए? मैम सरकार नहीं चाहती कि इस देश का अमन अमान शांत रहे, उनको सिर्फ और सिर्फ अपने वोट की राजनीति करनी है, सत्ता में बरकरार रहना है। अब जब देश के मुद्दे उठाने की बात आती है तो कोई ना कोई दंगा करवा देते हैं, स्टूडेंटों की जिंदगी खराब कर दी इन्होंने, आज गरीबों की मानसिकता को धर्म के विरुद्ध ला करके इन्होंने रख दिया, जिससे अपने राजनीति की रोटी सेक रहे हैं। साफ तौर पर छात्रों का यही कहना है कि सरकार जो है नहीं चाहती कि आवाज उठाई जाए सरकार के खिलाफ, इसलिए पुलिस का सहारा लेकर जो है बच्चों को रोका जा रहा है, उन्हें घसीटा जा रहा है। देखिए किस तरीके से जो है बच्चों को भर लिया गया है बस में और ये सभी आक्रोश दे रहा है। क्या कहेंगे प्रोटेस्ट के बारे में, क्यों रोका जा रहा है? ये प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट बुलडोजर इन हरियाणा एंड दिस इज व्हाट वी गेट, दिस इज व्हाट द सरकार, दिस इज व्हाट द गवर्नमेंट डस टू अस फॉर प्रोटेस्टिंग फॉर द जस्टिस ऑफ पीपल इन हरियाणा। थाउजेंड्स ऑफ होम्स एंड शॉप्स ओन्ड बाय मुस्लिम्स आर बीइंग बुलडोज्ड डे बाय डे। बच्चों ने अंदर अंदर जो है बस की वो बजाना शुरू कर दिया है और उनको ये मारती है, नारंगी है। किस तरीके से देखिए, किस तरीके से जो है महिला पुलिस जो है इनको उठा रही है और यहाँ पर झड़प होती हुई दिखाई दे रही है आपको। देखो मेरे को अपनी गाड़ी में लेके जा रहे कहीं, वो कर रहे थे अकेले, डिटेन करोगे लड़की को, गाली देते हैं, नहीं होगे, क्या गलत कर रहे हैं? पुलिस ने जो है हटा दिया है, यहाँ पर मना कर दिया है बात करने से, उन्हें बात नहीं किया जा करने दिया जा रहा है, उनसे पुलिस ने हटा दिया है। और आपने देखा किस तरीके से अभी जो है गाड़ी निकल पड़ी है, उन्हें सब लेकर जाया जा रहा है, वो आप अंदर जो है
बस में बजा रहे हैं, शोर मचा रहे हैं, पुलिस जो है उनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। वहीं कई बच्चों को ऐसा घसीट दिया गया है। कितने लोग जो हैं यहाँ पर, आपको हमने तस्वीरें दिखाई कि उसमें कुछ बच्चे जो थे वो बेहोश भी हो गए थे। अभी जो गाड़ी जो है आगे निकलने की मतलब निकालने की कोशिश की जा रही है। देखिए कितने 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 सारे जो छात्र हैं इसमें आप देख पा रहे होंगे, कितने सारे छात्र जो है वो इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते हुए जो है जा रहे हैं। आप देख पा रहे होंगे किस तरीके से जो है आगे लेके जाया जा रहा है, डिटेन कर लिया गया है और जो है पुलिस जो है आगे लेकर जा रही है। क्यों लेकर जा रही है? पिट्टू बजरंगी जो है गिरफ्तार हो गया है। पहले मोनू मुनासिर को अरेस्ट करो, हमारा राय ये है कि मोनू मुनासिर को अरेस्ट करना, और वहां पर हो बुलडोजिंग कर रहा है वो भी बंद करना, और 200 के ऊपर FIR है, फर्जी FIR लगा हुआ है वो भी बंद करो। बस जो है जा चुकी है, लेकर जा चुके हैं छात्रों को, और अभी जो है वहाँ पर आप भीड़ देख पा रहे होंगे किस तरीके से अभी भी जो है वहाँ पर तमाम छात्र हैं और लगातार अपने प्रदर्शन में जुटे हुए हैं। पुलिस भी जो है अपना काम कर रही है और उन्हें इधर उधर करने की कोशिश कर रही है। पुलिस जो है वहाँ से रोड से, क्योंकि पूरा रोड जो आप देखें तो वो भी पूरा चक्का जाम हो चुका है, क्योंकि ये प्रदर्शन जो है बीचों बीच रोड पर हो रहा है हरियाणा भवन के सामने, और रोड जो है पूरा जाम हो चुका है। पीछे लंबी ट्रैफिक लगी हुई है यहाँ पर, और तमाम लोगों को जो है वो डिटेन कर ले जा चुका है। भाजपा सरकार, अमित शाह, नरेंद्र मोदी जैसे लोग और इनके तमाम संगठन, RSS से लेकर विश्व हिंदू परिषद, ये सारे संगठन ऐसे लोगों को अपनी शाखाओं में तैयार करने का काम करते हैं। यही RSS के लोग हैं जो तलवार से लेकर बंदूक बांटते हैं अपनी शाखाओं में और इन दंगों को आयोजित करते हैं। हमारे घरों में दंगे हुए, हम जानते हैं कि कैसे इन दंगों की प्लानिंग पिछले 3 महीने से चल रही थी, और ये प्लानिंग अभी आने वाले दिनों में भी ये देश के अलग अलग राज्यों में इस तरह के दंगे करेंगे ताकि 2024 के चुनाव में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण हो और भाजपा सरकार हिंदुओं के वोट बटेरे। निष्पक्ष कार्रवाई इस सर, गुजरात 2002 के दंगे हुए, दिल्ली में 2019-20 में दंगे हुए, उस वक्त भी हम देख सकते हैं, हम दिल्ली में रहते हैं, हम जानते हैं कि कैसे ये पूरे दंगे प्रायोजित थे, और जो लोग आज सत्ता में बैठे हैं वही इस दंगों को आयोजित करने का काम कर रहे हैं, वो खुद इस पूरे दंगों में जो शामिल लोग हैं उनको संरक्षण देने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल, जैसे ये भाजपा सरकार पहले भी ये करती आई है और आज भी यही काम करके चुनाव में अपनी रोटियां सेक रही है, और इसमें हम तमाम उन हिंदू भाई जो हिंदू होने के नाम पर इन दंगों में शामिल हो रहे हैं उनसे ये पूछना चाहेंगे, क्यों ये भाजपा सरकार अब हर साल 2 करोड़ रोजगार की बात नहीं करती है? क्यों ये भाजपा सरकार हरियाणा में बेरोजगारी सबसे अधिक है, वहाँ की शिक्षा व्यवस्था सबसे बदतर है? क्यों ये डबल इंजन की सरकार उन तमाम राज्यों में, उनकी हालत देखिए, यूपी से लेके गुजरात, ये दंगे राज्य द्वारा प्रायोजित, सरकार द्वारा प्रायोजित, उनके तमाम जो संगठन है, जो सांप्रदायिक संगठन है, उनके द्वारा आयोजित दंगे हैं। ये कोई अनायास हुआ दंगा नहीं है, तो ट्रांसफर कर दिया जाता है जज का। बिल्कुल, ऐसे तमाम मसले हैं, जो जज आज इन सरकार के खिलाफ बोलता है उसका लोया हो जाता है, जो इन सरकार के खिलाफ अपना स्टैंड लेता है उनका तबादला हो जाता है। तो ये हम तमाम जगहों पर देख रहे हैं कि आज इनके खिलाफ बोलने वाले, सरकार के ऊपर सवाल करने वाले लोगों को जेलों में बंद किया जा रहा है, उनको सजा दी जा रही है, उनका एनकाउंटर कर दिया जा रहा है। यानी कि आप मुंह बंद करके बैठो, इन दंगों में आपके घर जले तो जले, आप मरो, लेकिन इस सरकार से सवाल नहीं करो, अपनी आप आवाज नहीं उठाओ। 28 अगस्त को फिर से यात्रा किया, अभी आप देख पा रहे हैं कि अभी आधे लोगों को जो है, कम से कम आधे छात्रों को डिटेन करके ले जाया जा चुके हैं, और दूसरी बस जो है आ गई है, तैयार है दूसरी बस जो है बच्चों को डिटेन करने के लिए, छात्रों को डिटेन करने। देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो है प्रदर्शनकारी जो है उनसे ज्यादा संख्या में जो है यहाँ पर पुलिस फोर्स तैनात है, और जो है पूरी तैयारी है कि जो दूसरी बस जो आई है उसमें फिर से लोगों को डिटेन करने के लिए कर लिया गया है। अभी और भी लोगों से बात करेंगे कि क्या कहेंगे, एक बस में आधे लोगों को डिटेन कर लिया गया, दूसरी बस आ गई है। मैं ये कहूंगी कि जिनको डिटेन करना होता है, अरेस्ट करना होता है, उनको अरेस्ट नहीं किया जाता है, वहाँ एक बिट्टू बजरंगी को अरेस्ट करते हैं और यहाँ पर 100 प्रदर्शनकारियों को डिटेन करते हैं। हम मांग उठा रहे हैं कि जो लोग इस
अपराध में शामिल है सांप्रदायिक हिंसा के, उनको गिरफ्तार क्यों नहीं करा जाता, उनको ऐसे उठाने पुलिस क्यों नहीं आती। 77वां साल चल रहा है स्वतंत्र का, कर्तव्य काल कहा उसे प्रधानमंत्री ने, क्या कर्तव्य है? जो न्याय मांग रहे हैं उनको उठाने का कर्तव्य है इनका। यह न्याय जहाँ पे तोड़ा जा रहा है, जहाँ अन्याय हो रहा है, जहाँ लोग विस्थापित होते हैं, जहाँ लोगों की जान जाती है, जहाँ गरीब परिवारों से अल्पसंख्यक समुदायों से लोगों को मारा जाता है, क्या उन लोगों को कोई मुआवजा देना न्याय नहीं है, कर्तव्य नहीं है? क्या मनोहर लाल खट्टर जब अपने कर्तव्य को पालन नहीं कर पाता तो उसका इस्तीफा देना कर्तव्य नहीं है? क्या उसको बहाल करना कर्तव्य नहीं है? हम मांग उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि निष्पक्ष कार्य कर रहे हैं वो। देखिए इनका निष्पक्षता सिर्फ एक दिखावा है। निष्पक्ष होते तो ये तभी कार्रवाई कर लेते जब हमें पता था कि कौन कौन लोग शामिल थे, कौन कौन लोग नफरती भाषण दे रहे थे। हम लोग मांग उठा रहे हैं यहाँ से, सबको मुआवजा, सबको न्याय और सबको इस्तीफा दिया, और ये लोग इस्तीफा देंगे सरकार। किस तरीके से फिर से जो है लड़कियों को उठाने लग गया है, छात्रों को जो है किस तरीके से जो है उठा कर ले जाया जा रहा है। देखिए सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जो है घसीटा जा रहा है, घसीटा जा रहा है उन्हें, और ये जो है बस आ गई है, और उन्हें ये जो लड़की है जिसे उठाया जा रहा है, आप देख पा रहे होंगे पैरों में, देख पा रहे होंगे वो पहले से घायल है, उसके पैरों में जो है छाले हैं, उठाकर घसीट कर लेकर जाया जा रहा है। देखिए किस तरीके से जो है यहाँ पर उठा कर ले जाया जा रहा है, लोगों को जो है डिटेन की जा रही है, और पुलिस जो है जबरदस्ती करती हुई नजर आ रही है, पूरी तरीके से हर तरीके से जो है जैसे भी बन पा रहे पुलिस जो है बस में भर रही है, और लोगों को जो भी यहाँ पर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं उनको उठा कर लेकर जा रही है। हम भी बात करने की कोशिश कर रहे हैं तो बात नहीं करने दिया जा रहा है, उनको न्याय मिले। और मोनू मनी दर्ज जैसे जितने लोग खुले घूम रहे हैं उनको अभी भी बात करने की कोशिश कर रहे हैं तो उन्हें धकेल कर अंदर लेकर जाया गया। अभी यहाँ पर जो है लगातार हर एक को एक एक को उठा कर लेकर जाया जा रहा है, और बस में बंद कर दिया जा रहा है, डिटेन किया जा रहा है, और डिटेन कर बंद करके ले जाया जा रहा है। आपको बता दें कि एक बस जो है वो भरकर जा चुकी है, ये दूसरी बस है जिसमें जो है छात्रों को लेकर जाया जा रहा है। अभी हम इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि अभी इनका क्या कुछ कहना है, क्योंकि जिस तरीके से ये इनके साथ की जा रही है, घसीटा जा रहा है छात्रों को और ज़बरदस्ती की जा रही है, पुलिस का अनाउंसमेंट हो रहा है कि यहाँ पर रास्ता रोकना, किसी प्रकार का प्रदर्शन करना जो है मना है, क्योंकि पीछे जो है लंबी ट्रैफिक हो गई थी, गाड़ियों का आना जाना जो है वो बंद हो गया था, क्योंकि ये जो लोग हैं सड़क पर बीचों बीच हरियाणा भवन के बीचों बीच जो है सड़क पर बैठे हुए थे, इसलिए इन्हें रोक दिया गया है। पुलिस जो है घसीट कर ले जा रही है, धक्के देकर जबरदस्ती कर रही है। ये तो होता रहा है, जब भी इस समाज में, जब भी इस देश में इस फासीवादी सरकार रही है, और जो पढ़े लिखे युवा, जो समझदार युवा ने सवाल उठाया है तो उनको घसीटा गया है, उनको बिठाया गया है, उनको जेल तक में डाला गया है। तो ये आम बात नहीं है, आम बात ये है कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो एक सांप्रदायिकता फैलाने वाली गवर्नमेंट है। जो नूह हुआ, मेवात हुआ, गुड़गांव हुआ या मणिपुर हुआ, वहाँ दंगा फैलाने में इनका हाथ रहा है। और यहाँ तक देखा जाए हरियाणा हो या फिर मणिपुर, वहाँ पे गवर्नमेंट बीजेपी की ही है और सेंट्रल गवर्नमेंट बीजेपी की है। अगर उनका कह रहे हैं कि हम निष्पक्ष कार्रवाई कर रहे हैं, आप साफ देख सकते हैं कोई निष्पक्ष कार्रवाई नहीं हो रही। अगर हो रही होती तो मणिपुर की हिंसा समाप्त हो चुकी होती, 8 से 9 महीने नहीं हुए होते। यहीं तक कि हरियाणा में जो अभी दंगा फसाद चल रहा है उन पर रोक लगा दिया हो जाता, वो गुड़गांव तक नहीं पड़ता। वहाँ पे इस तरह के महापंचायत नहीं होते जहाँ पे भड़काऊ भाषण दिए जाते, और वहाँ पे लोगों को गिरफ्तार तो किया जा रहा है, लेकिन किन लोगों को किया जा रहा है? क्या उन पर रोक लगी है? क्या सांप्रदायिक दंगों पर रोक लगी है? क्या सांप्रदायिकता फैलाने वाले भाषणों पर रोक लगी है? नहीं, सरकार चाहती है कि यहाँ सांप्रदायिकता फैले, लोग विकास की बात भूल जाए, लोग एजुकेशन की बात भूल जाए, लोग नौकरी की बात। सभी दंगाइयों का घर बुलडोजर से गिरा दिया कहा जा रहा है, ये तो सरकार कह रही है, लेकिन वहीं पे मीडिया रिपोर्ट पहले ये कहती है कि सभी दंगाइयों का बुलडोजर से गिराया जा रहा है, फिर वहीं मीडिया में सरकार दलील देती है नहीं ये तो नगर पालिका का अवैध कानून से बनाया हुआ रूल था, उसके ऊपर हुआ है। तो आप ये दो चीजें सरकार के तरफ से ही देख सकते हैं।
सरकार के तरफ से ही देख सकते हैं। मीडिया जो है पत्थरबाजों का परमानेंट इलाज चाहती है, मीडिया जो है पत्थरबाजों का परमानेंट इलाज चाहती है। मीडिया को यह देखना चाहिए कि पत्थरबाजी हो क्यों रही है, मीडिया को यह देखना चाहिए पत्थरबाजी कौन कर रहे हैं। वो मीडिया जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो तो जो सरकार कहती है उसी के गुणगान करने लग जाती है, वो रियल बात नहीं जानती है क्या विकास का क्या। सबसे बड़ी बात है पत्थरबाजी को इलाज होना चाहिए, सही में होना चाहिए। क्या पत्थरबाज फैलाने वाले जो दंगा फैलाने वाले वही हैं या अपना बचाव करने वाले वो हैं, तो वो देखना चाहिए। ठीक है, आपने देखा किस तरीके से जो छात्र हैं, तमाम छात्र जो है यहाँ पर मौजूद है, किस तरीके से जो है जो इन्हें डिटेन कर लिया गया है और ये अपनी बात कहने के लिए जो है ये वहाँ से खिड़कियों से लटक लटक कर अपनी बात। मोनू मानेसर को आज तक नहीं पकड़ा गया। राजस्थान में ये जो मॉब लिंचिंग की घटना हुई जब दो लोगों को जला के उनके मंत्रियों ने, मोनू मानेसर जिम्मेदार नहीं है तो ये उनके कहने से नहीं होता ना। मोनू मानेसर कैसे जिम्मेदार नहीं है? वो जो मॉब लिंचिंग की घटना हुई दो लोगों को जला के मारा गया, ये सारे लोग जिम्मेदार हैं और ये जो सरकार कह रही है ना वो खुद जिम्मेदार है इस पूरी घटना के लिए। क्योंकि क्योंकि पुलिस चाले, पुलिस और प्रशासन चाले तो कोई भी दंगा 5 मिनट से ज़्यादा चल नहीं सकता। ये देश के कई पुराने रिटायर्ड पुलिस के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उन्होंने साफ साफ कहा है, तो ये दंगे होने दिए जाते हैं और जो वीडियो भी आए हैं पुलिस खड़े होकर देख रही है दंगे हो रहे हैं। पूरा प्रशासन इसमें लगा हुआ है और पूरे प्रशासन के सह पे ये दंगे हुए हैं। ये मोनू मानेसर और ये चिंटू पिंटू, ये दो कौड़ी के ये गुंडे बस जो है चली गई है, चल पड़ी है और लेकर जाने की पूरी जो है दूसरी बस है। ये आपको बता दे तो पहली बस में जो है आधे बच्चों को ले जाया गया है, दूसरी बस में जो बच्चे थे उन्हों लेकर चला गया है। ये सभी स्कूल के कॉलेज के छात्र हैं जो नो हिंसा पर हुई, जिस तरीके से लोगों के साथ जिस तरीके से बर्बरता सामने आई, नू हिंसा में जिस तरीके से लोग मारे गए, उन चीज़ों को लेकर ये जो है सड़क पर आए थे। हरियाणा भवन के सामने इन्होंने जो है प्रदर्शन किया है, उसी को लेकर इन्होंने प्रदर्शन किया। नू में हिंसा जिस तरीके से हुई वहाँ पर, बुलडोजर के से जिस तरीके से लोगों के घर गिराए जा रहे हैं, उसी हक अधिकार और उनके मुआवजे की बात कर रहे थे और उसके लिए जो है इन्होंने यहाँ पर प्रदर्शन किया, लेकिन पुलिस ने जो है इन्हें डिटेन कर लिया और डिटेन कर दो बसों में भरकर लेकर चली गई है। पूरी प्रदर्शन पर, पूरे इनके जो है प्रदर्शन और इनकी मांगों पर आप क्या सोचते हैं, आपका क्या कहना है हमें ज़रूर बताइए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी गिरी, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएँ, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएँ। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।